और अब वक्त है लोकल टू ग्लोबल का, जहां आपको मिलेगी देश दुनिया की सभी खबरें फटाफट अंदाज में। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की कोर्ट में पेशी आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। शराब घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। संजय सिंह के रिमांड की मांग कर सकती है ईडी। कल करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के विरोध में आज दिल्ली समेत कई शहरों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता भी बापू की समाधि पर करेंगे शांति प्रदर्शन। मुंबई में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर के सामने होगा प्रदर्शन। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने देर रात तक किया हंगामा। पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा मरना मंजूर डरना मंजूर नहीं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह के घर वालों से मिले केजरीवाल, पत्नी सुनीता भी रही मौजूद। केजरीवाल ने कहा इंडिया गठबंधन से बौखला गई है बीजेपी, 2024 तक अभी बहुत गिरफ्तारी होगी। केजरीवाल ने कहा हमारी ईमानदारी का बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। मोदी के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज है संजय सिंह। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा जेल का टर दिखाकर जीत नहीं सकते और धमकी जीवी बीजेपी का सफायत है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मनोज तिवारी ने कहा यह पीड़ितों की हाय है, इसकी आंच के जीवाल तक जाएगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा यह विपक्ष को चुप कराने की है कोशिश। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मनोज झा ने कहा एक स्वतंत्र सोच को किया गया गिरफ्तार। राघव चड्ढा ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया, कहा विपक्ष को एजेंसियों के जरिए दबाने की कोशिश। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने कहा शराब घोटाले में अब केजरीवाल का नंबर। राजस्थान और एमपी के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी, जोधपुर में 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम जबलपुर में 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। एमपी के धार में जन आक्रोश यात्रा समापन समारोह में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज जारी होगा राजस्थान सरकार का विजन 2030 डॉक्यूमेंट, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दिए सुझाव। फिर पीएम मोदी की तारीफ की है पुतिन ने, कहा नरेंद्र मोदी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पुतिन ने भारत रूस के संबंधों की तारीफ करते हुए कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है। अलास्का में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी सेना कर रही है युद्धाभ्यास, विमान से किया पैराजंप। ज़ेपोरिज़्या में यूक्रेनी हमला नाकाम हुआ, रूस ने हाइमर्स से यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल गिराई। यूक्रेन के अवदीवका में रूस की एयरफोर्स ने सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट पर हमला कर दिया है, स्मार्ट बॉम्ब से हमले में प्लांट हुआ तबाह। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने एमएलआरएस से दागे रॉकेट, विध्वंसक हमले में रूसी पोजीशन हुआ तबाह। क्रीमिया में यूक्रेन की जीओआर फोर्स ने की घुसपैठ, रबर बोट से क्रीमिया पहुंचे यूक्रेनी सैनिक, यूक्रेन ने जारी की क्रीमिया की तस्वीर। क्रीमिया की धरती पर पहुंचे यूक्रेनी सैनिक, रूस के सैन्य मोर्चों पर हमले की खबर, यूक्रेन की ब्रदरहुड बटालियन ने किया हमला। धमाकों से दहला क्रीमिया का इलाका, काफू में हुआ जोरदार धमाका, रिहायशी इलाकों के नजदीक हुआ धमाका। रूस ने क्रीमिया में नेपच्यून मिसाइल से किया हमला, हमले में यूक्रेनी पोजीशन तबाह। गृहमंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी, सूत्रों के मुताबिक यूसीसी कमेटी की रिपोर्ट पर हुई चर्चा। जनगणना विवाद के बीच बिहार के दौरे पर जेपी नड्डा पटना में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सीएम शिवराज आज शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज, अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अर्जी पर भी आज सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में केस ट्रांसफर की अर्जी पर होगी सुनवाई। पंजाब के बीजेपी नेता मनप्रीत बादल की जमानत अर्जी खारिज, भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है मनप्रीत। ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में एक्टर रणबीर कपूर को ईडी का समन, 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक अली असगर, विशाल डटलानी, टाइगर श्रॉफ समेत 14 लोग ईडी के रडार पर, सभी से होगी पूछताछ। आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे सभी सितारे, सौरभ पर हवाला के जरिए कलाकारों को पैसे देने का आरोप। एसवाईएल नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने जताई खुशी, कहा फैसले का स्वागत।
डोनेस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला, रूस की आर्टिलरी यूनिट ने दागे गोले, रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन के किरोवोग्राद इलाके में हुआ भीषण विस्फोट, धमाके के बाद लगी आग, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर। बाखमुट में रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेनी पोजीशन पर हमला किया, हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ यूक्रेनी सैन्य डिपो। सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी ड्रोन हुआ इंटरसेप्ट, रिहायशी इलाके में गिरा ड्रोन का मलबा। सॉलिडर पर रूस ने फैब 1500 बॉम्ब से किया हमला, यूक्रेनी सेना का हेडक्वार्टर तबाह हुआ, यूक्रेन के कई अफसरों की मौत। समंदर में चीन की दादागिरी का नया वीडियो, फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारने की कोशिश, पहले भी चीन फिलीपींस में हो चुकी है टक्कर। खारकीव ज़ेपोरिज़्या में रूस की भीषण बमबारी, ज़ेपोरिज़्या के 22 इलाकों पर हुए 122 हवाई हमले। यूक्रेन ने रूस के डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, यूक्रेनी ड्रोन ने बेलगोरोड में S-400 को निशाना बनाया। पूरे रूस में इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम का हुआ टेस्ट, सायरन रेडियो टीवी के जरिए वार्निंग, हर इलाके में पब्लिक वार्निंग सिस्टम की तैनाती। मॉस्को में रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया, रूस ने कहा यूक्रेनी सेना के 31 ड्रोन को बॉर्डर के पास ही मार गिराया गया। नौसेना के NIAO सेमिनार में शामिल हुए राजनाथ सिंह, सेमिनार में रक्षा मंत्री ने कहा सरकार के हर प्रयास में आत्मनिर्भरता का भाव। जाति जनगणना रिपोर्ट पर JDU महासचिव ने ही उठाए सवाल, प्रगति मेहता ने रिपोर्ट को गलत बताते हुए CM को लिखा पत्र। MBA में समन्वय के लिए नए सिरे से बनेगी कमेटी, समन्वय समिति में रहेंगे हर दल के 3 नेता। इमरान मसूद कांग्रेस में फिर होंगे शामिल, 7 अक्टूबर को कांग्रेस की लेंगे सदस्यता। TMC आज मनरेगा के मुद्दे पर कोलकाता में राजभवन तक निकालेंगे मार्च, केंद्र के खिलाफ साधेंगे निशान। भोपाल में CM आवास की सुरक्षा में चूक, 4 बाइक सवार CM हाउस में घुसे, पुलिस ने हिरासत में लिया। कोलकाता में TMC स्टूडेंट विंग का प्रदर्शन, दिल्ली में TMC कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई का जता विरोध। यूपी के प्रतापगढ़ से पूर्व विधायक शाद अली का दिल का दौरा पड़ने से निधन, प्रशिक्षण शिविर से घर जाते वक्त पड़ा दिल का दौरा। दिल्ली पुलिस के ACP अनिल सिसोदिया ने की खुदकुशी, जंगपुरा स्थित आवास पर खुद को मारी गोली। लखनऊ में पार्क में मिला 14 साल के छात्र का शव, झूले से लटकता मिला शव, खुदकुशी की आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक की मौत के बाद बवाल, भीड़ ने थाने में लगाई आग, वाहनों में तोड़फोड़ भी की। यूपी के कानपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 महिलाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में रेप के बाद हत्या मामले में हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे लोग। MP के खंडवा में आदिवासी लड़की से रेप, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। उज्जैन में रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को गिराया। बिहार के मुजफ्फरपुर में CO पर नौकरी का झांसा देकर रेप का आरोप, एक लड़की ने दर्ज कराया मामला। लखनऊ में कुछ युवकों का हंगामा, लोगों से की मारपीट, पुलिस वालों से भी बदसलूकी की। हरिद्वार में पैसों के विवाद को लेकर पार्किंग कर्मचारियों और पर्यटकों में झड़प, कई लोगों को चोट आई। हरियाणा के फरीदाबाद में पहली मंजिल से गिरा 4 साल का बच्चा, अस्पताल में हुई मौत, पूरी घटना CCTV में कैद। लखनऊ में 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही बच्ची, लगाती रही मदद की गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूक्रेन के मारिका में रूसी फौज ने मचाई तबाही, हमले में कई यूक्रेनी सैनिक घायल। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी सेना ने की भीषण गोलाबारी, रूसी हमले में 65 साल के व्यक्ति की मौत। खेरसोन के बेरिस्लावस्की में रूस ने ग्लाइड बम से किया हमला, हमले में यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। बाइडेन के लिए मुश्किल हुआ यूक्रेन को फंड देना, अमेरिकी कांग्रेस में बाइडेन को करना पड़ रहा है संघर्ष। रूस न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली क्रूज मिसाइल का कर रहा परीक्षण, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। रूस की तरफ से यूक्रेनी मिलिट्री पोजीशन पर हमले की तस्वीरें आई सामने, होविजर तोप से यूक्रेनी मिलिट्री कैंप पर हुआ हमला। रूसी एयरफोर्स का यूक्रेनी वेयर हाउस पर हमला, डोनेस्क में रूसी हमले में कई यूक्रेनी हथियार तबाह। US के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी का बड़ा दावा, जंग में यूक्रेन पुतिन से युद्ध हार रहा है। US व्हाइट हाउस की यूक्रेन को नसीहत, काउंटर ऑफेंसिव के लिए बचे कुछ हफ्ते, खराब मौसम की वजह से रुक जाएगा काउंटर ऑफेंसिव। फ्रांस ने लॉन्च किया नया ड्रोन, फ्रांस यूक्रेन मिलकर करेंगे नए ड्रोन का प्रोडक्शन।